इसके अंदर ये वही क्वेश्चन है जो बुकलेट में अभी मैंने आपको शीट दिखाई थी। ये देखो, एल के साथ आ रहा है, सी के साथ आ रहा है और एक स्विच है। जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे, और क्वेश्चन में आर गिवन है, अंडर रूट ऑफ एल सी गिवन है, जैसे ही तुम स्विच ऑफ करोगे, ऑन करोगे टी इज इक्वल टू जीरो पे, करंट सी और एल में बढ़ेगा। तो वो क्या कह रहा है, बताओ कितने समय पे दोनों में करंट बराबर हो जाएगा। पहले तुम ये बताओ इंडक्टर में करंट होगा क्या, ग्रोथ ऑफ करंट ये रहा, और ग्रोथ ऑफ करंट में आई नॉट क्या पुट करोगे, वी बाय आर, क्योंकि इंडक्टर का रोल तो रहेगा नहीं, आर का रोल रहेगा बस। और कैपेसिटर में करंट क्या होगा, अभी मैंने लिखवाया था आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, अभी जो बुकलेट के अंदर था। तो ये कैपेसिटर का करंट है और आई नॉट भी लिखवाया था वी बाई आर से। इन दोनों को इक्वेट कर लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इक्वेट करके आर बाई एल, आर बाई एल की वैल्यू मैं निकालूंगा कैसे, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको स्क्वेयरिंग कर दें, आर और एल एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, इस आर बाई एल को वन बाई आर सी पुट कर दें। अपनी मैथ की कलाकारी दिखाओ और सॉल्व करके अपना आंसर लॉग में लेके आना। आंसर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही कॉन्सेप्ट है कि इंडक्टर और कैपेसिटर का करंट क्या लेना है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवा दिया। ये तो नीट में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार ऐसा अभी किया भी हमने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। ये देखो, ई इज इक्वल टू ई वन साइन ओमेगा टी, ई टू कॉस ओमेगा टी, फाइंड आर एम एस कर ई एम एफ। तुम क्या करोगे, इसका और इसका कोफिशियंट आपको क्या देगा, ई नॉट, और तुम्हें क्या निकालना है, ई आर एम एस, ई नॉट बाई रूट टू इज द आंसर। ठीक है, तो लेवल में कुछ अंतर तो है ही है थोड़ा थोड़ा उन क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बोरा क्वेश्चन है, इफ अ डायरेक्ट करंट डीसी इज सुपर इम्पोज ऑन एसी, तो एक एसी करंट है और एक डीसी करंट है, सुपर इम्पोज का मतलब मिला दिया तो नया करंट आ गया, तो आपको बताना है इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसकी अफेक्टिव वैल्यू क्या होगी। अफेक्टिव को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो ठीक है, करंट आ गया, आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी बाई टी, जीरो से कैपिटल टी तक, इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन शुरू कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, कॉन्स्टेंट सारे बाहर आ गए, वन डी टी की इंटीग्रेशन टी है, साइन स्क्वायर की याद करवाई थी मैंने टी बाई टू है, और साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, जीरो। सॉल्व करके आंसर, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, आधे क्वेश्चन में तो इंटीग्रेशन यूज हुई जा रही है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बुकलेट में किया हुआ है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, जीरो से टी, जीरो से टी। मीन वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू का मतलब एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू क्या होती है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज क्या होगा, करंट और टाइम का एरिया निकाल दें, रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया, ये टोटल चार्ज आ जाएगा, इसको कैपिटल टी से डिवाइड कर दें, आंसर आएगा। किया हुआ है हमने, ये जाते हुए करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डायग्राम में एलसीआर मुझे सीरीज में लग दिख रहे हैं, एलसीआर सीरीज में। वो कह रहा है बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी और एम मीटर की क्या होगी। पहले ये बताओ, इंडक्टर में और कैपेसिटर में वोल्टेज एकदम बराबर है, वी एल इज इक्वल टू वी सी है, इसका मतलब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है, इसका मतलब रेजोनेंस है। अगर ये रेजोनेंस है तो सारी की सारी वोल्टेज 220 की 220 कौन ले गया, रेजिस्टर ले गया, तो वी वन की वैल्यू क्या होगी, 220। एक आंसर आ गया, सही है, रेजोनेंस है, कट गई है वोल्टेज तो ये सारी वोल्टेज यही ले गया। और करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, करंट की वैल्यू होगी वी 220 डिवाइडेड बाय 100, 220 बाय 100, आंसर करंट भी आ गया। क्लियर है यहां तक, तो करंट कैलकुलेशन में जेड नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि इंपीडेंस में जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर, किया था हमने। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वी वन और वी टू वी थ्री गिवन है, नीचे वोल्टेज गिवन है, इंपॉर्टेंट ही है फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन बाय रूट एल सी, इसका मतलब रेजोनेंस हो रखी है, ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस है तो वी टू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आएगा, जीरो, रेजोनेंस में तो कट जाता है, तो वी टू की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। वी वन की वैल्यू और वी थ्री की वैल्यू बराबर हो जाएगी, क्योंकि सारी वी थ्री की वोल्टेज वी वन ले जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया,
तो वी थ्री वी वन बराबर है, और वी वन वोल्ट मीटर क्या रीड करता है हमेशा, आर एम एस वैल्यू। तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ई नॉट, तो आर एम एस वैल्यू क्या बनेगी, ई नॉट बाई रूट टू आंसर। तो रेजोनेंस पे ये टर्म तो जीरो हो गई, वी थ्री वी वन बराबर हो गया, वोल्ट मीटर रीड करता है आर एम एस, तो आर एम एस ई नॉट बाई रूट टू। समझ में आ रहे हैं यहां तक? जैसे नेक्स्ट एट्थ, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड कनेक्टेड बाय सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट क्या होगी? एक बात को समझें, एल सी आर सीरीज में है, पावर डिसिपेशन में हमेशा याद करना आई स्क्वायर आर होता है, जेड कभी नहीं होता, चाहे तीनों चीज़ें लगी हों, पर पावर डिसिपेशन आई स्क्वायर जेड मत कर देना, आई स्क्वायर आर ही करना। लेकिन करंट क्या है, वी बाय जेड, करंट तो पूरे सर्किट में V बाई जेड ही होता है, और जेड आर एल सर्किट में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा का स्क्वायर। तो आप जेड की जगह पुट करके सॉल्व करके पावर निकाल लेना। तो स्टार्ट आई स्क्वायर आर से करना, फिर आई को V बाई जेड करना, इम्पिडेंस एल आर सर्किट की निकालना और आंसर निकालना। जैसे नाइन्थ है, इजी क्वेश्चन है, नाइन्थ ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपको गिवन है, 80 वोल्ट इज अप्लाई टू दी प्राइमरी, तो सेकेंडरी की वोल्टेज क्या है, तो क्या हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सेकेंडरी का और वोल्टेज सेकेंडरी प्राइमरी की पता है, तो प्राइमरी की वोल्टेज पता है, सेकेंडरी की निकाल लेना आंसर। ट्रांसफॉर्मर का सिंपल एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, अ सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस आर, सोलेनॉइड है, आर है, बल्ब है, स्विच है। वो कह रहे हैं स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, बल्ब लोअर है, स्विच को मैंने सडनली ओपन कर दिया, ओपन मीन उठा दिया यहां से, सर्किट ब्रेक कर दिया, तब क्या होगा, इंडक्टर को जब ये बात पता लगेगी इसका करंट जीरो होने जा रहा है, तो इंडक्टर नहीं चाहेगा, अपने अंदर इंड्यूस करंट पैदा करेगा और किसको दे देगा, बल्ब को, तो बल्ब सडनली क्या करेगा, ग्लो करेगा फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट, क्योंकि जब ऑफ कर दोगे स्विच को तो इंडक्टर इंड्यूस करंट पैदा करके बल्ब को ग्लो करके रखेगा, इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, स्विच एस ऑफ द सर्किट इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने ऑन किया, इंडक्टर प्रेजेंट है, इंडक्टर झगड़ा करेगा और ग्रोथ ऑफ करंट हो जाएगा, तो करंट ग्रो करेगा, करंट कैसे ग्रो करता था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो ये मैक्सिमम करंट था, याद करो आई नॉट, तो ये ग्राफ बनता था, याद करो करंट का जब ग्रो करता था, याद है ग्रोथ ऑफ करंट में करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता था, पर उसमें पूछा ही नहीं करंट कैसे ग्रो करेगा, ग्राफ करंट का है ही नहीं, ग्राफ किसका है, ग्राफ किसका है इसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, झगड़ेगा कौन कितना झगड़ा करेगा, अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, शुरू में झगड़ा बहुत करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत होएगी शुरू में,
एकदम जीरो से करंट पड़ा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घटनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्टेडी करंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म होती जाएगी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12, एन ई एम एफ ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड इन अ सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी एंड इंडक्टेंस एल, एल आर गिवन है, रेशियो ऑफ करंट एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट। देखो इंडक्टर में करंट ग्रो करेगा, इंडक्टर में करंट टाइम के साथ ऐसे ग्रो करता है, फॉर्मूला पता है। तो पहला केस है जब टाइम की वैल्यू और आर पता है एल पता है पुट कर लिया तो ये करंट ऐसे ग्रो करेगा। पहला टॉपिक है जब टाइम इन्फिनिटी है पे तो करंट कितना है इन्फिनिटी पे, तुम यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दो, 1/∞ जीरो होता है तो आपका करंट आई नॉट आएगा। और वैसे भी ये करने की जरूरत नहीं है, इंडक्टर में बहुत देर के बाद इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट तो स्टेडी हो जाएगा और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आंसर क्या आएगा आई नॉट ही आएगा। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट हमेशा ही आई नॉट आएगा, बात ही खत्म। लेकिन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना आएगा, अब यहाँ पर टी की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट करेंगे, ये क्या बनेगा e की पावर -2 और ये स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। तो मैं रेशियो निकालनी है इन्फिनिटी के करंट और आई वन पे, इन्फिनिटी का करंट तो आई नॉट है और आई वन का करंट यहाँ पुट करके आंसर, क्लियर है यहाँ तक। तो कैसे करंट की रेशियो, बस फॉर्मूले में एक बार इन्फिनिटी एक बार 1 सेकेंड पुट करना है और फिर करंट की रेशियो निकाल देनी है। नेक्स्ट है